पर और मिला मान तोड़कर बीजेपी में कांग्रेस में शामिल हो रही है, माफ कीजिएगा, तस्वीरें आप देख सकते हैं, बॉलीवुड जगत का जाना माना चेहरा और हाल ही में परिणय सूत्र में बंधी उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल हुई है। रणदीप सुरजेवाला भी मंच पर मौजूद, उन्हें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मंच की हैं और कुछ ही समय में अब प्रेस से मुखातिब होने वाली हैं खुद रणदीप सुरजेवाला और उर्मिला मातोंडकर। बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप जी, यू फाइनली गॉट मी इन टू द टू गिव अ स्टेटमेंट टू द मीडिया ऑफिशियली फ्रॉम दिस रूम। लेकिन मैं जो मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ मुंबई से भी कि मैं हमारे पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का और हमारे वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं अपने दिल के गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस बस इलेक्शन के एक महीने पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। एंड हमारे खास मित्र और साथी संजय निरुपम जी और हम और मुंबई कांग्रेस के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता, मुझे पूरा यकीन है कि हम साथ में मिलकर मुंबई में जीत हासिल करने के लिए तन मन धन से काम करेंगे, मेहनत करेंगे। इसके साथ साथ जैसे रणदीप जी ने ऑलरेडी आपको कहा है, मैं उस बात को दोहराना चाहूँगा कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उर्मिला जी औपचारिक रूप से आज हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उर्मिला जी को कई सालों से जानता हूँ एंड उर्मिला इज नॉट जस्ट वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट artists but someone who is extremely opinionated on issues that are affecting our society and somebody who is taking this political step for the long run to serve this country through the Congress party. So with these words I would request Urmila ji to kindly say a few words. मेरे साथ मंच पर बैठे हुए सारी सभी कांग्रेस के नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए आप सब मीडिया के लोगों को मेरा विनम्र अभिवादन। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ इन सब का, कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने मुझे इतना वार्म वेलकम दिया आज के इस दिन पर। आप सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आज आप मेरे सामने कहीं ना कहीं मुझे इनक्रेज करने के लिए यहाँ आए, ऐसा मैं समझती हूँ। आज मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मैं आज सक्रिय राजनीति में अपना पहला कदम रखने जा रही हूँ। सक्रिय राजनीति कहने का वजह यह है क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिस परिवार में मेरे बचपन से थिंकिंग जो है, मेरी सोच, मेरी समझ परम पूज्य महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों के विचारों पर टिकी हुई है, बनी हुई है। मेरी पूरी पर्सनैलिटी, थिंकिंग, ये सारी इनके ख्यालों पे